अकेले सिर्फ इन दोनों ने विक्रम की बॉडी को उठाकर घोड़े पे रखा कैसे? मतलब इस बच्चे को तो हटा ही दो, इसने क्या ही मदद की होगी बॉडी उठाने में। बची इसकी माँ जो खुद इतनी पतली दुबली है, उसने अकेले ने इतनी भारी विक्रम की बॉडी को उठाई कैसी होगी, मैं वो सोच रहा हूँ। क्योंकि भाई किसी भी बेहोश इंसान को या फिर किसी इंसान की बॉडी को अकेले उठाना खाने का काम नहीं है। जिस स्पीड से भाला आया और इसकी छाती में घुसा है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आके रुका कैसे। नहीं, भाला अच्छी खासी स्पीड में भी था और इसकी छाती में घुस के आर पार भी हुआ है, मतलब पीछे से घुस के सामने से निकला भी है, तो यहाँ पे आके रुका कैसे भाई? क्या स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था कि आर पार हो जाना चाहिए था? मेरा मतलब यहाँ पे रुकने की जगह सामने बच्चे के मुंह पे घुस जाना चाहिए था। भाई ये भाले का जो पिछवाड़ा है वो इसके पीठ के इस लेवल तक है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इसके सिर के ऊपर तक गया। और भाला लगने के बाद ये आदमी जिस पोजीशन में है, मतलब हल्का सा सामने की तरफ झुका हुआ है, तो आइडली इसे सामने की तरफ गिरना चाहिए, लेकिन ये गिरता अपने लेफ्ट पे है, पता नहीं क्यों। विक्रम ने जिस तरह से इसे भाला मारा है, ऐसा लग रहा है इसके मेन पॉइंट में कहीं घुसा है, मतलब नीचे कहीं पे घुसा है। लेकिन वही जब दूसरे एंगल से देखते हैं तो भाला जो है वो इसकी छाती पे घुसा हुआ और पीठ से निकला हुआ है यहाँ से। और हाँ, इसके पीठ से यहाँ से निकला हुआ है ना भाला, लेकिन इसके पहले वाले शॉट में जब विक्रम ने इस पे भाला घुसाया था तब यहाँ से तो कोई भाला निकला ही नहीं बाहर। और अब इसके मुंह के बिल्कुल बगल में ही है भाला, लेकिन फिर वही दूसरे एंगल से देखते तो काफी दूर है। इसने अपने मुंह पे मास्क पहन रखा है, ध्यान से देखो, लेकिन सडनली इसके मुंह से मास्क गायब हो गया और इस बंदे के पीछे यहाँ पे आग लगी हुई है जो कि इससे बहुत ज्यादा दूर, लेकिन अगले पल दूसरे एंगल से देखने पे ये इसके बिल्कुल बगल में ही आ जाता ताकि सीधा जाके आग में गिर सके। और यहाँ पर भैया पूरी की पूरी पट्टी जल गई, लेकिन भालों को इतना सा भी कुछ नहीं हुआ। नहीं गजब, विक्रम ने ये भाला इतने सारे लोगों पे घुसाया है, लेकिन ये भाला एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, एक बूंद भी खून नहीं दिख रहा है इसमें। नहीं, लिटरली इसके आंखों के सामने सामान पलट गया, चेंज हो गया, एंड ही वाज लाइक कुछ नहीं है, जान दे जान दे जान दे। वाह भाई, बाकी अभी टाइम 6:50 हुआ है ना, लेकिन इसके लैपटॉप पे तो 1:45 PM हो रहा है भाई, और वही इसके फोन में टाइम हो रहा है 10:58 AM। वाह, नहीं भाई इतना अलग अलग टाइम क्यों हो रहा है सब जगह, एक टाइम क्यों नहीं? ये जैसे ही ट्रेन का ब्रेक लगाती है सभी इम्बैलेंस हो जाते हैं, सभी गिर जाते हैं सिवाय इसके। ये वैसे की वैसे ही बैठी हुई है, हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा इसको। आजाद यहाँ पर इससे पूछता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किससे है, और ये बोलता है अपनी माँ से। फिर आजाद बोलता है इसकी माँ की उम्र के जितने भी लोग यहाँ पर है सब खड़े हो जाए, और फिर इन कुछ लोगों के साथ इनकी एक टीम की मेंबर भी खड़ी होती है जो कि कोइंसिडेंटली माँ बन के ही आई होती है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इससे ये सवाल पूछने पे कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, इसने माँ कहा, अगर ये बाप बोल देता है फिर और कुछ बोल देता तब ये लोग क्या करते? मतलब ये तो एकदम कोइंसिडेंस ही हो गया ना कि इसने माँ बोल दिया और इनकी टीम की मेंबर बुरखा पहन के माँ बन के ही आई थी। क्या जरूरत है भाई, चुपचाप बैठे रहो ना, मार मुरी देगा तो अच्छा लगेगा क्या? पढ़ना तेरे को डर नहीं लगता? आपको हमारी कसम लौट आई। इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि इस गाने की ड्यूरेशन 3 मिनट समथिंग है, ना कि 5 मिनट। गांव में बॉम्ब्स फिट है, अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो ब्लास्टम ब्लास्ट कर देगा। तो भले ही अभी उसकी डिमांड पूरी हो गई हो, लेकिन अगर आप उसके साथ वापस से बकर करोगे एक्टिंग की बादशाह कसम से, तो ब्लास्टम ब्लास्ट तो अभी भी कर सकता है वो। और चलो एक बार बॉम्ब वाली बात फिर भी हटाओ, लेकिन ये शायद भूल रही है कि ट्रेन में अभी भी बहुत सारे हॉस्टेजेस है जिनकी जान खतरे में है, अगर उसका दिमाग संगा तो उनको भी मार सकता है। और अब टाइम 3:25 हो गया। नहीं मतलब भैया टाइमिंग तो अलग ही चल रही है इसमें। हमारे पास सर बोल रहे कि वो सब उसके फैन बने पड़े तो उनसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन भैया वो जो भी हो आप अपना काम तो करो, पूछो तो सही है। ये तो एक्सक्यूज हो गया कि वो लोग तो भैया बताएंगे ही नहीं तो पूछते ही नहीं। और चलो बाकी से नहीं भी पूछ रहे हो तो काली की जो बेटी है वो भी तो मेट्रो में ही थी, उसी से पूछ लो। क्या पोको पकड़ा दिए भाई शाहरुख के हाथ में। हट, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। नहीं यार, मुझे पता है कि बजट वगैरह कंट्रोल करने के लिए सब ब्रांड वगैरह को घुसाना जरूरी होता है, लेकिन पोको यार ये कप एक बार ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे एक बार फिर से गिरता है। और जब पहली बार गिरा था तब कप का मुंह इस तरफ था, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे इस तरफ आ जाता है। यहाँ पर इसे अपना सब कुछ बताने जा रहा था कि ये क्या काम करता है। अरे भाई इमोशनल होकर जल्दबाजी में इतना बड़ा डिसीजन मत लो, पुलिस वाली पकड़ के अंदर कर देगी। और ये तो वैसे ही इसके पीछे पड़ी हुई है और ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है, फिर भी गोली मारने पे यहाँ से इतना ही खून निकला था, लेकिन अगले ही पल विदिन अ सेकंड इसका पूरा शर्ट खूना खून हो जाता है। अभी पूरे ग्राउंड में कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल पता नहीं ये कहाँ से ये अपने फोन से अलग अलग सभी न्यूज चैनल्स पे लाइव गया हुआ है, लेकिन इसके वाले टीवी में कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा, बस वीडियो चल रही है। और इसके फोन में तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है यार, ये लाइव कैसे गया मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। और एक मिनट भाई, आईफोन क्यों यूज कर रहे हो? आजाद सर के पास तो पोको है, पोको यूज करो। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। ये काली के घर में काली के टीवी के बगल में एशियन पेंट्स का पोस्टर क्यों रखा हुआ है भाई? और अगर ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर वो रखा हुआ भी नहीं है, उसको बाद में एडिट करके डाले। 3 साल बाद ये लोग इससे ये कन्फेशन करवाते हैं कि उसमें इरम की कोई गलती नहीं थी बल्कि इसकी गलती थी। यार मैं ऐसे ही सोच रहा था कि 3 साल इस बात को बीत चुके हैं, अब किसी को याद भी होगा कि उस समय क्या हुआ था? नहीं, आजकल भी डेली डेली कितना कुछ होता है, लोग 3 दिन में ही भूल जाते, तो 3 साल पुरानी बात किसी को याद होगी भी? इस एसी में ना कोई वायर लगा हुआ है, ना कोई कंपनी का नाम है, कुछ भी नहीं। और इस एसी में कंपनी का नाम तो वैसे भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी एशियन पेंट्स ही लिख देते। पूरे पिक्चर में जगह जगह एशियन पेंट्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी लिख देते।
मुझे क्यों तोड़ा? फिर वो करती थी, फिर ये था, फिर थी, मतलब ये था थी तो ऐसे कर रहा है जैसे कितने ही बार पैसे निकलवा लिए इससे इन्होंने। नहीं, जब आजाद ने मेट्रो हाईजैक किया था तब एक ही बार तो इससे पैसा लिया था उसने 40,000 करोड़। पर ये था थी तो ऐसे कर रहा है जैसे आजाद हर बार इसी से पैसा ले रहा है। हाँ, वैसे 40,000 करोड़ कम नहीं होता, लेकिन एक ही बार तो लिया ना उसने, बार बार थोड़ी। विक्रम का हथियार इसकी छाती पे, इसके चेस्ट पे है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इसके गले पे है। I am the fourth largest weapon dealer in the world. यार इसकी एक भी गन टाइम पे काम तो करती है नहीं, तो ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट वेपन डीलर बना कैसे, मैं वो सोच रहा हूँ। ये गन ऑलरेडी पूरी साइड हो चुकी थी इसके सामने से, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे वापस से सामने आ जाती है। सिर्फ ये एक बटन दबाने से यहाँ पर जितने भी जेल थे सब खुल गए। मतलब भाई इतना इंपॉर्टेंट बटन है, मतलब इसको तो कोई खुफिया जगह में होना चाहिए था, लेकिन ये तो बिल्कुल खुले में है। मतलब लिटरल कोई भी ये बटन दबा के पूरे जेल कभी भी खुल सकता है। यहाँ पर सिर्फ इन तीन ट्रक्स में ही रेड मार्क क्यों दिखा रहे हैं, जबकि इस पीछे वाले ट्रक पे भी दिखाना चाहिए क्योंकि उस पे भी पैसा है। जब ये गन आके इसकी कार पे लगा तब जाके इस अंधे को दिखा कि ऊपर कोई है, नहीं तो जब ये लोग एक के बाद एक ट्रक के ऊपर जंप किए पड़े थे तब नहीं दिखा कि ऊपर कोई है। अभी इस आदमी के सिर में देख लो कितने कम बाल है, लेकिन जब ये गिर रहा होता है तब इसके सिर में कुछ ज्यादा ही बाल आ जाए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वो आदमी है ही नहीं, ये तो पुतला है। ये बेल्ट सिर्फ इसके गले पे आके लगता है, लेकिन नेक्स्ट शॉट में इसके पूरे गले पे बंधा हुआ है। नहीं कैसे तो नहीं होते तब कैसे करते। अभी फिर से ये लाइव गया हुआ है और सामने कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा है, लेकिन एक मिनट भाई, इसके सामने तो कोई कैमरा ही नहीं है। और अब सडनली दूसरे एंगल से देखने पे सामने दो कैमरे प्रकट हो गए, और ये दोनों कैमरे भी एक लेफ्ट पे और एक राइट पे है, सेंटर में तो कोई कैमरा ही नहीं है। लेकिन ये देख सेंटर में ही रहे और सेंटर में ही देख के बोल रहे जबकि सामने कोई कैमरा ही नहीं। और कमाल की बात ये है कि टीवी में इसका फ्रंट ही दिख रहा है, मतलब सेंटर ही दिख रहा है, जबकि कैमरा तो लेफ्ट और राइट पे है, तो लेफ्ट और राइट दिखना चाहिए। ओ भाई, दोनों जोमेटो पोगो का स्पॉन्सरशिप एक साथ है फ्रेम में, क्या बात। अबे वनप्लस की पकड़ है भाई, पोको पकड़ पोको। चीटिंग 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 करता है तू। आजाद के मुंह पे काफी ज्यादा खून लगा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखते हैं वहां से खून गायब हो गया। फॉल्ट होते हुए भी इस इंडस्ट्री में अभी तक टिका हुआ कैसे, खरीद क्यों रहे लोग इसको। वैसे पूरी मूवी में आजाद क्लीन शेव रहा है, दाढ़ी मूछ नहीं थी उसकी, लेकिन बीच बीच में जब जब भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों इसकी दाढ़ी मूछ क्यों है।